बस्तर पुलिस जिले में जुआ सट्टा मादक पदार्थ और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस को एक और सफलता मिली है, जहां पुलिस ने लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर एक व्यक्ति कार में संदिग्ध सामान लेकर जगदलपुर की ओर जा रहा था, जिस पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर युवक को रंगे हाथ पकड़ा गया है। पुलिस ने 25 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपये आंकी गई है। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपित गांजा जो है उसने उड़ीसा से जो है कांकेर की ओर लेकर जाने की योजना होना बताया गया। मामले में आरोपी उमेश ध्रुव के विरुद्ध थाना दरभा में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और आरोपी के कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा और एक अर्टिगा कार को बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है।